जिला पंचायत अध्यक्ष नामांकन विवाद में सपा कार्यकर्ता पर लगाई गई रासुका देवरिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान पुलिस से झड़प करने वाले एक सपा कार्यकर्ता के खिलाफ मंगलवार की रात पुलिस की रिपोर्ट के बाद जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने रासुका की कार्यवाही की है। 26 जून को सपा प्रत्याशी शैलजा यादव के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर हंगामा हुआ और पुलिस से झड़प हुई। इस मामले में मौके से ही पुलिस ने बनकटा थाना के ग्राम कारीकाट के रहने वाला अभिजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया था। अभी तक इस मामले में 8 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। देर रात अभिजीत के खिलाफ रासुका की कार्यवाही की गई। नामांकन के दौरान लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के आरोप में एक व्यक्ति पर NSA के तहत रिकमेंड किया गया था, जिसको जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब ने अनुमोदित करके NSA में निरुद्ध करते हुए इससे संबंधित आख्या शासन को भेज दिया।